वार्ड क्रमांक 47 राजा बाजार येथे गेल्या 1.5 वर्षापासून 1 रुपयाचंही काम झालं नाही, त्यामुळे रस्त्यावर ड्रेनेजचं पाणी साचलं आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना आणि इजा करणाऱ्यांना देखील यामुळे त्रास सहन करावा लागतोय. मनपा प्रशासनाच्या वतीनं काम न झाल्यानं अखेर या नागरिकांनी मनपाचा निषेध केला. पाहुयात एआय न्यूजचा या संदर्भातील विशेष रिपोर्ट. औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊन 1.5 वर्ष उलटले, मात्र अजून देखील वार्डाचा पाहिजे तसा विकास झाला नाही. वार्ड क्रमांक 47 राजा बाजार येथे तर 1 रुपयाचं काम महानगरपालिकेने केलं नसल्याचं समोर आलं आहे. याचा आढावा घेतलाय एआय न्यूजने. शहरात मध्यवर्तीचं ठिकाण असलेल्या या भागात ग्रामदैवत संस्थान गणपतीचं अतिप्राचीन असं मंदिर आहे. मात्र या मंदिरासमोर असलेल्या रस्त्यावर ड्रेनेजचं पाणी वाहत आहे. येथील नगरसेविका यशश्री बाखरिया यांनी अनेक वेळा महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत सांगितले, मात्र अधिकारी तर सोडत आयुक्तांनी देखील त्यांच्या या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं. परिणामी रस्त्यावर उभे राहण्याजोगे आणि चालण्याजोगे रस्ते नसल्याने नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी जेव्हा एआय न्यूजची टीम राजा बाजार या वार्डात पोहोचली, तेव्हा या वार्डातील नागरिकांनी आपला त्रास आणि महानगरपालिका प्रशासनावर असलेला रोष व्यक्त केला. तसेच राजा बाजार परिसराचं नाव बदलून गोबर बाजार ठेवा अशी विनंती देखील यावेळी नागरिकांनी महापौर आणि महानगरपालिका प्रशासनाला केली. औरंगाबादच्या मध्यवर्ती ठिकाणी म्हणजे वार्ड क्रमांक 47 राजा बाजार येथे म्हणजे पाठीमागे आपण बघणार की सगळ्यात जुनं ग्रामदैवत आहे ते औरंगाबाद शहराचं संस्थान मंदिर. या ठिकाणी मोठे मोठे आरती करण्यासाठी आमदार खासदार या ठिकाणी येतात, मात्र आपण जर बघितलं तर माझ्या पायाखाली सध्या चालण्यासाठी अजून जागा नाही आहे, रस्त्यातल्या व्यवस्था नाही आहे. याच वार्डाची काय समस्या आहे ते जाणून घेण्यासाठी एआय न्यूजची टीम या ठिकाणी पोहोचलेली आहे. माझ्यासोबत इथले काही रहिवासी आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की नेमकं त्यांना काय अडचण येते आणि त्यांना कोणत्या अडचणीला सामना जावा लागतो. आपलं नाव सांगा. राजा बाजार मध्ये जन्म झालो, दर्शनार्थी त्यांना या आमच्या ड्रेनेजच्या उरलेलं पाणी आहे त्याच्यातनं वाट काढून जावं लागतं. गणपती चिंतन येणार आहे, आमदार खासदार सगळे सत्काराला इकडे येणार आहे, फक्त सत्कार करून घेतात. मग बाकी 2 महिन्यापासून आम्हाला जी तकलीफ चालू आहे, जी आम्हाला परेशानी हो राहिली, त्याच्याकडे आम्ही खासदाराचे आमदार कोणी आम्हाला पाहायला आलं नाही. फक्त नगरसेवक झटू राहिले, आमचे नगरसेवकाचेही ते रद्द केलेलं आहे, हे आम्हाला मान्य नाही. हमको ये ड्रेनेज की तकलीफ हो रही है और गोबर की इतनी स्मेल बाहर सारी गंदी कि ऐसा लग रहा कि घर के बाजू में गाय भैंस का गोठा है कि क्या. पूरे ड्रेनेज लाइन बाहर पानी बाहर आ रहा, बच्चे छोटे हैं, बच्चे भी बहुत बीमार हो रहे हैं. और हमारे महाराज जी आए यहाँ पे चातुर्मास के लिए, हम चाह के भी इतने 10 कदम पे मंदिर है कि भी महाराज जी को घर पे नहीं ला सक रहे, क्योंकि पूरा ड्रेनेज का पानी और गंदी बदबू पूरी हमारे गली में फैली हुई है. और कोई भी अधिकारी कोई भी साफ नहीं आ रहे. सिर्फ चार कोई आमदार खासदार सिर्फ हम उनको वोट दिए पर कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ हमारे नगर सेवक नगर सेविका ही बस पूरे टाइम हमारा ध्यान रख रहे. प्रॉब्लम हो रही मंदिर होकर जाने को, हर जगह बच्चों को स्कूल से जाना करना है, ऑटो में भी आके बच्चों के शूज ये सब गंदे होते हैं. एकदम बुरा हाल है, बच्चे बोलते निकलना नहीं चाहते बाहर, हमका जा रहा था मार्केट को, हम जा नहीं सकते मार्केट में भी. ये बाजार का नाम सिर्फ बोलने को राजा बाजार है, लेकिन राजा बाजार का काम कौन है? बाजार नाम गोबर बाजार है, सही है गोबर बाजार नाम. जोपर पट्टी अच्छी है अपने बाजार से, जब ये आरती कर ले इसको सब पहले आते हैं, इसको बड़ा गणपति मानते हैं, आरती को वगैरह सब पहले आते हैं, बाकी कोई बात को पहला नहीं है, बाकी हर बात में पीछे है. ये बाजार सिर्फ नाम मेन एरिया है इसको बोलने वाला, बाकी कोई काम का नहीं. एवढंच नव्हे तर शाळेत जाणाऱ्या एका 7 वर्षीय मुलाच्या मनावर देखील याचा परिणाम झाला. या मुलाने देखील आपल्या केविलवाणी बोलीतून थेट आयुक्तांना या परिसराची स्वच्छता करण्याची विनंती केली. मी पेपरने सारे मच्छर काढते, वो साफ करो ना, साफ करो नीचे. और स्कूल में आते जाते वक्त क्या प्रॉब्लम आती है? वो पूरी ये गाड़ी आती तो चिक्कड़ उड़ते पैर पे. त्याचबरोबर या परिसरात जैन समाजाचे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर राहतात. चातुर्मास करण्यासाठी त्यांचे राष्ट्रीय संत 108 श्री आचार्य गुप्तिनंदजी महाराज आणि श्री कमलेश मुनीजी महाराज या ठिकाणी आले आहेत, मात्र त्यांना देखील बोलवता येत नसल्याने नागरिकांनी आपला राग बोलून दाखवला.
या ठिकाणी जैन गुरूंचे मोठ्या प्रमाणावर चातुर्मास करण्यासाठी गुरु या ठिकाणी येत असतात. मात्र या ठिकाणी पद्धतीनं रस्ता असल्यानं तर जाणार कसं? महिला आहेत, त्यांचे समर्थन आहे, त्यांचे नागरिक आहेत, त्यांना घरी सुद्धा आणू शकत नाही अशा प्रकारचे कंडिशन आहेत. माझ्यासोबत अजूनही त्यांनी रहिवासी जोडलेले आहेत, त्यांना विचारूयात की नेमकं काय प्रॉब्लेम त्यांना येत आहे. सबसे पहिले मी संभाजीनगर को संभाजीनगर के ग्राम देवा संस्थान गणपति को अभिवादन करता हूँ. और मुझे दुर्भाग्य से कहने का 1988 से हमारे राजा बाजार के अंदर जो समस्या है अभी तक वो सॉल्व नहीं हुई है. और ये दुर्भाग्य है हमारे औरंगाबाद शहर के जो चार अध्यक्ष रहे, नंदलाल जी जायसवाल, बाबूलाल जी पराती और बजरंग जी शर्मा और रतिलाल जी जरीवाला, ऐसे महान व्यक्ति होने के बाद भी हमारे औरंगाबाद संभाजीनगर का दुर्भाग्य है कि जो राजा बाजार का वार्ड सुधरा नहीं. ये बड़ी शोकांतिका है. और हम पिछले 3 महीने से देख रहे हैं जो ड्रेनेज का लाइन, पानी की लाइन, यही जो घर के अंदर जो नल पर नल आके पानी आ रहा है वो पूरा मिक्स पानी आ रहा है. ये दुर्भाग्य है. और इतनी बार भी कंप्लेन करने के बाद में भी जो काम कर रहे हैं वो केवल मात्र खुदते और डालते वो काम करने के अंदर उनका नहीं. और औरंगाबाद के अंदर जो हम जो कॉरपोरेशन के अंदर जो टैक्स भर रहे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग. आज हमें अभी ये ध्यान रखना है कि जब तक हम लोगों ने टैक्स भरना ही नहीं चाहिए. अभी जो टैक्स भरते हैं उनको ही तकलीफ होती है और जो टैक्स नहीं भरते हैं उनको अच्छी सुविधा मिलती है. ये बड़ा बड़ा औरंगाबाद शहर का बड़ा दुर्भाग्य है बंधु. और एक बात कहना चाहूँगा, हमारे वार्ड के नगर सेवक ने जो कचरा उंडी का काम बहुत अच्छा 6 महीने 8 महीने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अभी हमको भी उनको झांपना पड़ता है कि ये क्या कर रहे हैं तुम. ये हम घड़ी घड़ी पाठ पूरा कर रहे हैं कि वो जाके आते हैं, उनके अधिकारी सुन रहे नहीं. ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राजा बाजार वासियों का. और जब तक ये गोबर का होगा ये होगा बाजार के अंदर, ये रुकेंगे नहीं. और रास्ता महेश का गोठा होगा ये होगा, जब तक हटेगा नहीं तब तक हमारे राजा बाजार जो संस्थान गणपति के लिए और जाने के लिए हमें जाना पड़ता है वो पूरा दुर्भाग्य है कि जो वापस से हमें जाना पड़ता है. और अभी हमारे गुरु भगवंतों का चातुर्मास चालू होने के बावजूद भी हम उनको आहार पानी नहीं दे सक रहे हैं. यानी बोलने का मतलब इतने धार्मिक घर होने के बाद में, इतना पुराना घर होने के बाद में भी ऐसे चल रहा है, ये बड़ा शोकांतिका है. और पानी और इतने ये केवल मात्र आमदार खासदार, मैं तो बोलता हूँ कि शिवसेना और भाजपा ने तो पूरी शहर की वाट लगा दी है. और मैं बोलता हूँ केवल मात्र वार्ड के अंदर अच्छे कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए, पार्टी नहीं देखना चाहिए, अच्छे कार्यकर्ताओं को हमने चयन करना चाहिए. इतना ही कहता हूँ. और जो भी हमारे यहाँ आते हैं केवल मात्र हार तुर्रे पहनने के लिए आते हैं, जितने भी आमदार है खासदार है उनको शहर के प्रॉब्लम मानना नहीं आता. हमारे नगर सेवक मान रहे हैं लेकिन उनका पाठ पूरा हुआ ये अधिकारी वर्ग देख रहे नहीं है, कमिश्नर देख रहे नहीं है. कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत समस्या है. या नागरिकांचा रोज त्यांच्या आवाजातून आपल्याला दिसून येतोय. एकीकडे महानगरपालिका कर आकारण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतलेली आहे, सामान्यकडे ती मोठ्या प्रमाणावर कर लागते, पण कर दिल्याच्या नंतर देखील सामान्य नागरिकांना देखील या ठिकाणी सुख सुविधा पाहिजे होत्या त्या मिळत नाहीत. या परिसरात मध्यवर्ती आणि वर्दळीच्या ठिकाणी खुलेआम गॅसचा व्यवसाय चालतो, यामुळे भविष्यात जर कुठला अनुचित प्रकार घडला तर याला जबाबदार कोण असा सवाल देखील यावेळी नागरिकांनी उपस्थित केला. राजा बाजार वार जो है ये वार के अंदर ये रेसिडेंस एरिया है और ये सबसे बड़ा रेसिडेंस एरिया जो कुंवरपल्ली जो जाना जाता है. और यहाँ पे दो बड़े बड़े मंदिर जो है, यहाँ कम से कम पूरे राजा बाजार वार के 36 मंदिर रहने के बाद यहाँ ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे गैस का गोडाउन और रिफिलिंग का काम होता है. अगर यहाँ कल कुछ घटना होती है और इसके निवेदन आज कम से कम 10 साल से निवेदन दिए जा रहे हैं, फिर भी ये गोडाउन हला नहीं जा रहा. महानगर पालिका के कुछ अधिकारी और ये वर्ग लेके इनका जो भी तालमेल होके ये गोडाउन यहाँ पे, अगर ये गोडाउन को एक अगर आग लगती है तो ये हजारों लोग जो यहाँ रहते कल उनका अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा. और महानगर पालिका को बार बार प्रशासन को हमने ताकीद दिए, नोटिस दिए, लेटर दिए, तो भी उसके ऊपर कार्रवाई करे नहीं जाती. आंखें मूंछ कर बैठे हुए आप लगा तो इसका पूरा सर्वे करो, आप ऊपर से जाके देखो टाके क्या करे जाता है. और ये जल्द से जल्द हटाना चाहिए, नहीं तो कल चल के अगर दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार महानगर पालिका और महानगर पालिका के पूरे अधिकारी इसके जिम्मेदार रहेंगे. या वार्डातील काम करण्यास महानगर पालिकेलाही काही रुचि नसल्यानं या भागातील नागरिकांनी महानगर पालिकेचा निषेध व्यक्त केलाय. महानगरपालिका राजा बाजारचं नामकरण करून त्यांनी गोबर बाजार असा ठेवण्याचा प्रस्ताव या ठिकाणी महानगरपालिकेकडे देण्याचा असा ते प्रयत्न करतायत. गेल्या 25 वर्षापासून या ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता आहे, मात्र यावर्षी अत्यंत कमी वयाच्या नगरसेविका शिवसेनेकडून निवडून आलेल्या आहेत. या वार्डाच्या नगरसेविका यशस्वी बाघरी आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात नेमकं सत्ता असताना देखील तुमचे कामं का होत नाही आहेत. नमस्कार. ये जो
राजा बाजार वार्ड है, यहाँ पे संस्थान गणपति ग्राम देवत बोला जाता है पूरे शहर के, पूरे संभाजीनगर शहर के, और यही इतनी बड़ी तकलीफ है पिछले एक महीने से। ये पूरा चैम्बर का प्रॉब्लम है, पूरा पूरा ड्रेनेज, और यही चैम्बर का पानी, पूरा पानी पीने के इसमें जाता है, और यही सब दुर्गंधी वाला पानी लोगों के घरों तक आता है। किसी किसी के घर में गंदा पानी घुस रहा है, और किसी लगे दिन रोज सभी छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है। लोग चलना तो दूर की बात है, घर ही अपना मतलब ये अच्छा समझ रहे हैं वो। रोड को तो देखने लायक हम खुद नहीं खड़े रह सकते यहाँ पे। और पिछले दो दिन से हम ये, और ये जो हम प्रॉब्लम है ड्रेनेज प्रॉब्लम, पिछले चार महीने पहले ही हमने सबको निवेदन दिया था अधिकारी को कि ये प्रॉब्लम होंगी, तो आप पहले ही इसका सोल्यूशन देखिए। पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ फ़ोन पे बोलते हैं आएंगे आएंगे, उसके बाद कोई एक्शन कुछ नहीं लेता है। और कमीशन, और इसके दो दिन से हम लोग लगातार महानगर पालिका में चक्कर मार रहे हैं। गौटी के वाड़े में भी पूरा यही प्रॉब्लम है, पूरी वहाँ की बिल्डिंग गिरने को आ गई, लिटरली पूरा पैरों के ऊपर तक पानी है। मंदिर जहाँ की हनुमान मंदिर, हमारा हिंदू मंदिर पूरे उसके अंदर गटर का पानी जा रहा है। ये हमारे पूरे शहरवासियों के लिए बहुत बहुत गलत शर्मनाक बात है। तो हमने इसी कारण को सभी लेडीज़ को लेकर महानगर पालिका गए, आयुक्त से बात की, उन्होंने बोला कि एक घंटे में काम करेंगे, पर कुछ नहीं हुए। उसके बाद बोले कि मैं आऊँगा भी, वो भी नहीं आया। फिर उसके बाद दूसरे दिन में फिर से हम सब लेडीज़ मिलके महानगर पालिका गए, तब आयुक्त नहीं मिले, तो हम महापौर से बात किए, महापौर ने तुरंत सब अधिकारियों को भेजे, बात करे, सब हुआ स्टार्ट। पर ये जो काम है ये सबसे बड़ा है, पूरे पूरे रोड, पूरे ब्लॉक है, पूरे कोई ही जैन समाज के, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े जैन समाज के जो गुरु है वो यहाँ पे आए हुए, वो उनके दर्शन के लिए जाने भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब कितनी बड़ी बात है ये। और वो मैडम बघितलं गेलं की 1.5 वर्षापासून आपण इथे निवडून आलेलो, किती काम या वार्डामध्ये झालेली, काम या वार्डामध्ये एक रुपये कभी निधी कुछ भी महानगर पालिका से यूज नहीं हुआ। जब केंद्रेकर साहब थे तभी उतना मोती कारंजा का रोड वहाँ पे उन्होंने किया, और वो सच में थे, उन्होंने उनकी जुबानी दी और उन्होंने करे भी, काम दिखाया भी। और बाकी जो भी सब हो रहा है सब हम हमारे स्व खर्च से कर रहे हो, और इसमें हमें सब हमारे जितने भी नागरिक है वार्ड के सभी हमारा साथ दे रहे हैं। आपण बघू शकता की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर बघितलं की ड्रेनेजचं पाणी साचलेलं आहे। अशात देखील हे नागरिक आपल्या समस्या सांगण्यासाठी इथं उभे आहेत, घाण पाण्यामध्ये ते उभे आहेत। आणि बघितलं की 1.5 वर्षापासून त्या नगरसेविका या ठिकाणी निवडून आलेल्या आहे, पण 1 रुपयाचं काम देखील त्यांच्याकडं महानगरपालिकेकडून त्यांच्याकडे झालेलं नाही आहे। फक्त केंद्रेकर सर असतील, ते आयुक्त त्यावेळेस त्यांच्या कार्यकाळात तेवढं झालेला एकच रोड या ठिकाणी झालेला आहे। त्याच्यानंतर एकही निविदा झाली असेल किंवा ई टेंडर असेल, ड्रेनेज लाईनचं प्रश्न असेल, रोडचा असेल, लाईटचा असेल, असे विविध प्रश्न या ठिकाणचे मार्गी लागलेले नाही आहे। सूरज कांबळे, AI News, औरंगाबाद।